आपके अपने YouTube चैनल रॉक सॉलिड क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता है 2 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है, आपको इंडिया वाला जो मैप भारत का मैप है उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। साथ ही आपको 2 नंबर भी प्रश्न बता चुका हूँ। ओके, वस्तुनिष्ठ भी आपको क्रम से बताते ही जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप क्या है, क्रम से आप वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 12th जियोग्राफी मॉर्निंग क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर है क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइए। ओके, आज इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है, विश्व के मानचित्र किस प्रकार से आपको भरना है। ओके, क्योंकि आपको पता है आपके जियोग्राफी के पेपर में 5 नंबर का आपका विश्व का मानचित्र आता है, 5 नंबर का आपका भारत का मानचित्र आता है। ओके, मतलब 10 नंबर का मानचित्र वाला सेक्शन रहता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 70 नंबर के पेपर में 10 नंबर हो गए, तो किस प्रकार से आपको पक्का करने हैं। देखिए, भारत का मानचित्र बता ही चुका हूँ, प्रैक्टिस करा दी है, वह वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम क्या है, विश्व के मानचित्र को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले से पहला हमारा मानचित्र इस बार से दिया हुआ है विश्व का, तो हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं। पहला हमारा केप टाउन मेल वर्ग जलमार्ग। ओके, तो अब ये आपको क्या है, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, क्योंकि भारत के मानचित्र में से आपको क्या बहुत से स्थान है, जैसे आपको दिल्ली पूछ लिया, ओके, आपसे मथुरा पूछ लिया, ये बहुत सारे स्थान है जो आपको पता है कि भारत है, भारत के बहुत सारे अधिकांश क्षेत्र में पता है। लेकिन क्या विश्व के अधिकांश क्षेत्र में तब पता चलेंगे जब हमने उसे पढ़ा होगा, समझा होगा। इसलिए आपको क्या विश्व के मानचित्र ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो केप टाउन मेल वर्ग आपको वर्ण जलमार्ग पूछे आपसे पूछे जा रहा है, तो ये हमारा कहाँ हो जाता है, तो ये हमारा ये दिया हुआ है जलमार्ग है, तुम्हारे यहाँ केप टाउन हमारा यहाँ है और मेलबर्न यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया की इस साइड। ओके, तो यहाँ से आपका ये जो है तो जलमार्ग। और यहाँ पर पहला पॉइंट लिख दिया, क्योंकि पहले भी आप पूछा गया। ओके, नेक्स्ट हमारा विनिपेग हवाई पतन। ओके, तो हमारा यहाँ है आपका, तो इसमें आपको बताया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो अत्यधिक सघन जनसंख्या पूरे विश्व में कौन सा है, तो ये एरिया आपका। ओके, ये भारत के और ऊपर साइड मतलब चीन और ये आगे तक पूरा। ओके, ये आपको पूरा क्या है, अत्यधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का डेयरी कृषि क्षेत्र। ओके, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ है। अब यहाँ से डेयरी वाला जो एरिया है जो आपके यहाँ है। ओके, नेक्स्ट हमारा यूरोप का वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र, तो ये हमारा इस साइड यूरोप आपका इतना है। ओके, अब इसमें यूरोप का आपको क्या बताना है, अनाज कृषि क्षेत्र वाला बता, जहाँ आपके अनाज ज़्यादा होते हैं, तो ये आपका एरिया यूरोप में आपका इतना बड़ा है। ओके, लेकिन इसमें एरिया अनाज वाला ये आपको हाईलाइट किया गया। ओके, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना जाइएगा और आपको मैप अपने क्या माइंड में सेट करते जाइएगा, क्योंकि अधिकांश आपको एजेंटेस मिलने वाले हैं आपके पेपर में। ओके, आगे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट मानचित्र में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अफ्रीका का निर्वहन संग्रहण क्षेत्र। ओके, तो अफ्रीका ये हमारा ये अफ्रीका, और इसमें निर्वहन क्षेत्र हमारा इस साइड ये वाला एरिया। ओके, हाईलाइट करके इसे दर्शाया गया। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्य पशुधन वाला क्षेत्र। ओके, ऑस्ट्रेलिया का आपको वाणिज्य पशुधन, पहले ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया हमारा ये है। अब इसका वाणिज्य पशुधन वाला मतलब पशुधन वाला एरिया कहें, तो ये पूर्व बीच वाला एरिया है, ये आपका हो जाता है। ओके, नेक्स्ट एशिया का गहन निर्वाह कृषि क्षेत्र, तो एशिया का हमारा गहन निर्वाह क्षेत्र, तुम्हारा एशिया तुम्हारा ये हो गया। अब यहाँ क्या है आपको बताना, गहन निर्वाह, तो ये पूरा हमारे भारत में क्या है, गहन निर्वाह कैसी होती है, और इस ये आपके एरिया साइड भी होती है, तो ये दोनों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि क्षेत्र, तो उत्तरी अमेरिका का डेयरी कृषि क्षेत्र आपको बताना है, तो हमारा उत्तरी अमेरिका है। अब इसका डेयरी कृषि क्षेत्र आपका ये हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अफ्रीका का चलवासी पशु चारण क्षेत्र, अफ्रीका आपको बताना है चलवासी पशु चारण क्षेत्र, जो आपका अफ्रीका है, इसके ऊपरी जो भाग है ये आपका चलवासी पशु चारण क्षेत्र। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट मैप हमारे इस प्रकार से दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इसमें पूछा यार रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो हमारा कहाँ हो जाता है, रियो डी जेनेरियो में पड़ा था ब्राजील में, वो ब्राजील आपका यहाँ है आपका। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिंगापुर नगर, या मतलब सिंगापुर बंदरगाह। ओके, सिंगापुर से हमसे पूछा जा रहा है, तो सिंगापुर यहाँ आपका यहाँ है। ओके, इसी आपका सिंगापुर है, आपके मध्य में पड़ता है, तो ये आपका सिंगापुर हो जाता है। नेक्स्ट आपका कोलंबो पूछा जा रहा है, तो कोलंबो भैया हमें पता है कहाँ है हमारा, श्रीलंका के पास से कोलंबो हमारा, तो ये हमारा मतलब श्रीलंका में कोलंबो है, तो ये आपका श्रीलंका के एरिया जो भारत बना है छोटा आपका, और ये आपका श्रीलंका है, तो ये आपको कोलंबो बता देना है। नेक्स्ट है अफ्रीका का आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र अफ्रीका। ओके, तो ये आपका अफ्रीका ही मिलेगा, तो अफ्रीका हमारा ये है, इसका आपका ये आपका है निर्वाह क्षेत्र। ओके, कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट है यूरोप एवं एशिया का मिश्रित कृषि क्षेत्र, यूरोप और एशिया का दोनों का आपको बताना, तो ये आपका यूरोप ही है आपका, ये आपका एशिया वाला एरिया, ये आपका यूरोप वाला, इनका पूरा आपको आपने क्या है मिश्रित कृषि क्षेत्र पता दर्शाया। ओके, तो इस प्रकार से हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारे विश्व के मानचित्र इस बार से दिया गया है, जिसमें पहले हमसे पूछा जा रहा है पार कैनेडियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग हमारा कहाँ है, तुम्हारा ये दिया हुआ आपका कि सिडनी से जाके आपके वैंकूवर विक्टोरिया तक जाती है, तो पूरी रेल मार्ग इस बार से बताई गई है। नेक्स्ट आपका पनामा नहर, पनामा नहर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो आप पनामा नहर आपको ये है, ओके, मतलब इस एरिया को आपके जोड़ती है इससे। नेक्स्ट हमारा हिंद महासागर, तो हिंद महासागर हमको पता ही, हिंद महासागर हमारा पूरा एरिया हिंदी महासागर वाला है। ओके, ओके, आगे है मतलब भारत के नीचे जितना पूरा ये आपका दिया है सागर, ये पूरा हिंद महासागर। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका निर्वाह संग्रहण क्षेत्र, तो ये हमारा हो जाता है आपका, ये है आपका दक्षिण अमेरिका। ओके, दक्षिण अमेरिका हमारा ये है, और दक्षिण अमेरिका का हमारा क्या है, ये आपका यहाँ है आपका निर्वाह क्षेत्र। ओके, पनामा नहर पूछा, तो हमारा क्या है, ये आपके दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका जो जोड़ती है संधि होती है, वो आपकी पनामा नहर में होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया का विस्तृत वाणिज्य अनाज क्षेत्र, तो ऑस्ट्रेलिया का आपका ये ऑस्ट्रेलिया है, इसका आपको क्या बताना है विस्तृत वाणिज्य क्षेत्र आपका ये दिया। ओके, इस प्रकार से आपको बता देना। आगे देख लेते हैं।
आगे देश में विश्व को आंशिक प्रकार से दिया हुआ है हमारा, जिसे पहले पूछा जा रहा है दक्षिण अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। पहले दक्षिण अमेरिका में पहुंचना है तो ये दक्षिण अमेरिका हमारा ये दिया हुआ है, इसका मैं क्या बताना है वाणिज्य पशुधन क्षेत्र। तो ये हमारा ये बीच यहाँ से आपका ये है, ये आपका पूरा दिया हुआ है आपका पशुधन पालन क्षेत्र वालों के। नेक्स्ट है हमारा न्यूयॉर्क लंदन समुद्र मार्ग। ओके, न्यूयॉर्क और लंदन, तो पहले हमारा लंदन यहाँ आपका है, ओके, इंग्लैंड आपका इस एरिया में है, और फिर आपका न्यूयॉर्क यहाँ, तो इनको आपको बस बता देना कि आपका ये जो अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो यही आपका क्या है समुद्री मार्ग होगा। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों मॉरिशस। ओके दोस्तों क्या पूछे यार, पहले मॉरिशस है तो मॉरिशस हमारा यहाँ हो जाता है, फिर हमारा मास्को पूछे यार, मास्को हमारा यहाँ है और पेरिस है। ओके, तो इस बार लंदन के पास आपका पेरिस यहाँ आपके दिया फ्रांस पेरिस। ओके, तो यहाँ हो जाता है आपका पेरिस। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो इसमें हमसे सबसे पहले पूछा जा रहा है सिडनी हमारा कहाँ है। ओके, सिडनी हमारा कहाँ दिया हुआ है, सिडनी हमारा इसमें हो जाएगा आपका यहाँ आपका दिया हुआ है, ये सिडनी हमारा कहाँ है आपके ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी आपका यहाँ है। ओके, फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा बर्गिम्मा। ओके, तो बर्गिम्मा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ दिया हुआ है इंग्लैंड के पास। ओके, नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश मतलब नॉर्वे, सीधे नॉर्वे आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्वे हमारा ये हो जाता है ऊपर की साइड है नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट दक्षिण अमेरिका का आदिकालीन निर्वाह कृषि क्षेत्र। ओके, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, ओके, दक्षिण अमेरिका ये हो जाता है, इसका ऊपरी भाग हमारा क्या है निर्वाह कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर हमारा ये पूरा ये बीच वाला जो है अटलांटिक महासागर, तो ये हो जाएगा पांचवें नंबर अटलांटिक महासागर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों विश्व का मानचित्र इस प्रकार से दिया, जिसमें पहले हमसे पूछा जा रहा है केपटाउन, केपटाउन पूछा जा रहा है, तो केपटाउन हमारा ये यहाँ दिया हुआ है सबसे नीचे। ओके, नेक्स्ट हमारा शिकागो। ओके, शिकागो आपका ये दिया हुआ है शिकागो। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा ब्यूनस आयरन्स। ओके, तो ब्यूनस आयरन्स हमारा कहाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा दिया हुआ है आपका, ओके, दक्षिण अमेरिका में आपका ब्यूरन्स आयरन। वैसे बर्लिन, ओके, बर्लिन आपका कहाँ दिया, तो ये आपका बर्लिन हो जाता है, और प्रशांत महासागर हमारा ये पूरा पूरा क्या है प्रशांत महासागर। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों मानचित्र देख लेते हैं, तो नेक्स्ट में सबसे इसमें पहले पूछा जा रहा है काला सागर। ओके, आपके पेपर में आपके पांच नंबर का, तो पांच आपसे स्थान पूछे जाएंगे। ओके, तो काला सागर में हमारा ये आपका दिया हुआ है काला सागर, ये आपका काला सागर हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा मेलबर्न। ओके, मेलबर्न जी आपको प्रैक्टिस से बनेगा, तो मैं आपको बताते जा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। तो मेलबर्न आपके कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ऑस्ट्रेलिया में, तो मेलबर्न यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों दक्षिण अंध महासागरीय मार्ग, तो हमारा ये दिया हुआ ये एरिया जो इस साइड है, ये आपका हो जाता है दक्षिण अंध महासागरीय मार्ग। नेक्स्ट भूमध्य सागरीय जलमार्ग, भूमध्य सागरीय जलमार्ग हमारा ये वाला एरिया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा उत्तरी प्रशांत महासागर जलमार्ग, तो हमारा हो जाता है आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है उत्तरी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। नेक्स्ट है नील नदी, नील नदी पूछी जा रही है, तो नील नदी हमारी यहाँ गई है, ये नील नदी आपकी यहाँ से निकली हुई होगी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अरब सागर, तो अरब सागर दोस्तों हमारा पता ही कि आपका अरब सागर ये आपका दिया हुआ है, ये इतना एरिया। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य का कपास उत्पादक क्षेत्र, संयुक्त राज्य का कपास उत्पादक क्षेत्र आपका ये संयुक्त राज्य आपका है, और उसकी आपकी कपास एरिया वाला ये है। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट दोस्तों मानचित्र हमारे इस प्रकार से दिया, जिसमें पहले पूछा है ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र। ओके, ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र पूछा जा रहा, तो ये हमारा ब्राजील आपका यहाँ है, ब्राजील का कॉफी, और ब्राजील में आपका कॉफी उत्पादक क्षेत्र होगा, तो सीधा आपको ब्राजील पता होगा, वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट आपका केपटाउन से लंदन समुद्री जलमार्ग, केपटाउन से लंदन आपसे, तो आपका लंदन यहाँ है, ओके, केपटाउन यहाँ है, दोनों को आपको जोड़ने वाला जो होगा ये आपका जलमार्ग। ओके, नेक्स्ट हमारा स्वेज नहर, स्वेज नहर हमारी यहाँ हो जाती है आपकी स्वेज नहर। नेक्स्ट है मेडागास्कर, मेडागास्कर जो आपका निकला यहाँ से रहता है। ओके, जिस तरह से भारत में आपका श्रीलंका है, इसी बार से आपका ये दिया हुआ है, तो ये आपका मेडागास्कर। ओके, नेक्स्ट हमारा ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपी रेल मार्ग। ओके, तो ये आपका दिया, अब ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में कोई मार्ग, तो आपकी ये सिडनी से जाती हुई इस प्रकार से। ओके, तो ये हमारी हो जाती है ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। ओके, कंप्लीट हुआ जाता है इस प्रकार से। दोस्तों मैंने आपको क्या है विश्व के मानचित्र की प्रैक्टिस करवाई, जितने बताए सभी आपको तैयार कर लेना है, बाकी और भी आपको मिलते जाए, सबके स्थान आप देखते रहिए कि भारत विश्व के मानचित्र में कौन देश में कहाँ क्या है। ओके, देश आपको मेन पता होना चाहिए, जैसे ब्राजील का कॉफी उत्पादक क्षेत्र पूछे, तो अब इतने ब्राजील में सब छोटा सा इतना सा, तो बस ब्राजील में आप चिन्ह बना दिए, मतलब वही आपका ब्राजील का उत्पादक क्षेत्र माना जाएगा। तो आपका ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछे, तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होना चाहिए, तो आपको पहले मेन आपको स्थान पता होना चाहिए कौन कहाँ है, लंदन कहाँ है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए, फिर उनके बारे में आप पता लगा सकते हो। तो ये आपको इस प्रकार से तैयार करना है। अभी आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करके चैनल जुड़ गया, दोस्तों कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।